स्पीक। ठीक है सर, क्या बंदूक लेके खड़े हैं क्या यहाँ पर? क्यों प्रगति? तो तुमने कहा कि तुम झनकार पढ़ती हो, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर जो तुम्हें अलग अलग इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो उसको तुम फोकस करती हो, उसको पढ़ती हो। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सृष्टि, आपके आपको क्या पसंद है न्यूज़ पेपर के अंदर अगर पढ़ना हो तो किस टाइप की न्यूज़? सर, न्यूज़ तो वैसे अब न्यूज़पेपर उठाती हूँ तो सभी पढ़ना पड़ जाता है। तो वैसे तो सर वो स्टोरीज वगैरह जो जिस पेज पे नहीं दी जाती है, कुछ हाँ पोएट्री टाइप की भी रहती है उसमें। और जब से PFA किया तब से ऐड तो देखने ही देखने न्यूज़पेपर के सारे। अच्छा, और मेरे से पूछो कि मैं क्या पढ़ता हूँ। यस सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं राशिफल पढ़ता हूँ आपका जो हॉरोस्कोप है। ठीक है, हेलो। ये अच्छा था सर वैसे। हाँ, तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी फील्ड से तो उसी की इन्फॉर्मेशन लगे। मतलब थोड़ा सा आप एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं उसके अंदर जब दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं मतलब जो हैबिट है कि हाँ मैं उसको देखता हूँ, ठीक है, पता है कि हाँ वो इतने सही नहीं है, उसमें बिलीव करते हैं नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, फिर थोड़ा थोड़ा मिक्स करके। तो यहाँ पर मतलब मेरा जो पूछने का मतलब था कि जैसे तीन लोगों से मैंने बात करी तो आपके तीनों लोगों के व्यू अलग अलग हैं। ठीक है, आप जैसे बताया कि मैं ओवरऑल पढ़ती हूँ, ठीक है, प्रगति ने बताया कि मैं स्पेसिफिक किसी न्यूज़ को पढ़ती हूँ, आशुतोष ने बताया मैं स्पोर्ट्स को या हेडलाइंस को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दैट्स कॉल्ड टारगेट ऑडियंस। जब हम यहाँ तीन लोग हैं, हमारे तीनों लोगों के, चार लोगों के व्यू अलग अलग है। मैंने बोला कि नहीं मुझे और उसको पसंद है। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या है कि हर किसी के पास जा रही है, बट जिसको चाहिए उसके पास भी जा रही है, जिसको नहीं चाहिए उसके पास भी जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब पता है प्रगति अगर न्यूज़पेपर खरीदेगी तो ऐसा नहीं है कि जो झंकार वाला पार्टी खरीदेगी, सी एस टू बाय द होल न्यूज़पेपर, उसका पूरा पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पास पूरा वो जाएगा डेटा। तो मैगज़ीन में ये चीज़ नहीं होती, मैगज़ीन गिव द स्पेसिफिक डेटा। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो आप स्पोर्ट्स की मैगज़ीन लोगे तो उसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स की मिलेगी। फैशन की कुछ लोगे तो फैशन की मिलेगी, फूड की लोगे तो फूड की। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ब्रांड होता है या कम्युनिकेशन मीडियम है जहाँ पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टारगेट ऑडियंस के लिए हम जो कंटेंट को डालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोनों, ये दोनों टॉपिक। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लास्ट ये बात करेंगे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास में आपका लेआउट स्टेजेस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो इसके बारे में। ठीक है, कि लेआउट स्टेजेस क्या होंगे, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो या पढ़ा है ऐसा कुछ, लेआउट के स्टेजेस क्या होते हैं? हाँ सर, अच्छा आशु, तो बता सकते हो तुम क्या समझ में आया कि तुमने क्या पढ़ा है पिछला, तुम्हें अगर याद हो कि क्या लेआउट के क्या प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले होता है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, फिर उसका सेकंड आता है जिसमें हम लोग रफ लेआउट बनाते हैं, वेरी गुड। तमीज। फिर इसके बाद हम लोग उसका कलर करेक्शन करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग उसके जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फाइनल वर्क। हाँ, रिप्रोडक्शन या रिप्लिका भी बोलते थे कई बार, जो जैसा जो हमारा ओरिजिनल जो दिखने वाला ऐड उसी का ही रिप्लिका, मतलब वो लेआउट में कैसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है आशुतोष, तो लेआउट प्रोसेस का भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि तुम्हारे इसमें इन्वॉल्व है एडवर्टाइजिंग के सिलेबस में, तो इसको भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है कि द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन टू फॉर्म प्लान, प्लान टू इम्प्रूव अरेंज इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मतलब किसी भी प्रोसेस को डिज़ाइन करना, जैसे कि प्रोसेस या किसी भी प्लान को डिज़ाइन करना। कैंपेन भी तो क्या है, कैंपेन प्लानिंग भी तो हमारा एक तरह से एक टॉपिक है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। और ये प्रोसेस देखो अभी हमें लगता है इनिशियली, बिकॉज वी आर इन अ स्टूडेंट, वी नहीं मतलब आप, ठीक है, यू आर स्टूडेंट कैटेगरी, तो हमें लगता है कि ना ये प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट डिजिटल बनाओ, खत्म करो, सर को दो, काम खत्म। ठीक है, या मैनुअल फटाफट ड्राइंग करके दो, ऐसा तो नहीं फीलिंग आती है तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं आती है, प्रोसेस को ही फॉलो करता है। यस सर, सर स्टार्टिंग में नहीं करा था BFF, पर जब थर्ड ईयर में आए थे तब करने लगे थे BFF। हाँ, तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जैसे अभी स्टूडेंट टाइम पीरियड पे तो ठीक है कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना प्रिटेंड कर रहे हैं या कितना ले रहे हैं। ठीक है, बट यू व्हेन यू आप जब जाके आगे जब मूव करते हो, जब किसी एजेंसी के साथ जुड़ते हो या किसी नेटवर्क के साथ जुड़ते हो या प्रोफेशनली जब काम करते हो, तब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ में आता है कि प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग ही तो सब कुछ है। अगर आप प्लानिंग कर लेंगे पेपर पे ना, ये कोई काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो
अब सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं कि अगर लेआउट प्रोसेस का ही बताऊं कि यू टेक एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्ट हमारे होते हैं वो बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, थीके? उनका प्लानिंग एक पूरा पूरा पेपर होता है प्लानिंग के ऊपर, सुना है ऐसा कुछ प्लानिंग? हेलो वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो 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 आशु, पेपर तो आ रही है। हाँ तो हाँ ना बोल दिया करो, कई बार लगता है कि डिसकनेक्ट हो गया क्या। ठीक है, सो प्लानिंग का मतलब उनके में प्लानिंग एक पार्ट होता है, तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो पेपर पे प्लान करते हैं। अगर भाई तुम्हें हमने लैंड दे दिया, एक पर्टिकुलर लैंड दे दिया और बोला कि इस पे आपको कोई रेस्टोरेंट बनाना है, होटल बनाना है या रेसिडेंस बनाना है, तो ऐसा तो नहीं वो सीधा जो लेबर लेके जाके, हाँ भाई चलो देखते हैं क्या बनता है चलो ट्राई करते हैं क्या बनता है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ठीक है, वैसा तो नहीं है, देख कितना सेंटीमीटर, कितना इंच, कितना रहेगा मेजरमेंट, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना उसमें कॉस्टिंग लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, दे प्लान इंच एंड एवरीथिंग। और उसको जब जाके वो अप्रूव कराते हैं, उसके आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही अभी? ठीक है हाँ, वो सब माइक की वजह से। सो प्लानिंग का पार्ट मतलब एक तरह से मैं हमेशा देखो और अदर फील्ड को भी रिलेट करता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन, डिज़ाइनर की जो थिंकिंग होती है ना वो 360 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर पोस्टर ही बनाना है, ठीक है, या आपको एक लोगो ही से आपकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी कि आपको लोगो बनाना है। यू हैव टू कनेक्ट योर डिज़ाइन स्किल, कनेक्ट योर स्पेशलाइजेशन, विजुलाइजेशन इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड। कल को जो बच्चे हमारे साथ हैं अभी, कल हो सकता है कोई रेस्टोरेंट ब्रांड के लिए काम करे, हो सकता है गारमेंट के लिए काम करे, हो सकता है कोई एजुकेशन सेक्टर में काम करे, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। डिज़ाइन तो सभी जगह, या जो हम कमर्शियल आर्ट कर रहे हो तो सभी जगह कनेक्टेड है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ी सी हमें अपनी रीच जो होनी चाहिए थोड़ी सी वाइड रखनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम लेआउट स्टेजेस के अंदर बात करेंगे कि अलग कैसे हम प्लानिंग करते हैं अपने डिज़ाइन की, या किसी भी प्रॉब्लम की, या किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी ब्रांड की, किसी सर्विस की, जब हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद डेफिनेटली उसमें से एक हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इसमें जैसे एक पांच चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द टॉपिक एज वी डू डू इन आर कैंपेन कैंपेन वर्क, कि हम सबसे पहले क्या टॉपिक डिसाइड करते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं, टॉपिक के बाद, टॉपिक डिसाइड करने के बाद वी डिसाइड द थीम, थीम लाइक किड्स के लिए थीम है या इसको मतलब देखो टर्म्स कई हैं, तुम थीम की जगह टारगेट ऑडियंस भी डाल सकते हो, थीम भी डाल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, हम किस सेक्टर के लिए क्या स्पेसिफिक करने वाले हैं, वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या लेने वाले हैं, तो ये सब चीज़ों को हम थीम में अपने सारी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई हमने अगर डिसाइड कर दिया कि हमें बच्चों की कैटेगरी में एक मे बी मान के चलो बेबी प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो टॉपिक हमारा हमने डिसाइड कर लिया, ब्रांड का नाम डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया, थीम में हमने दे दिया कि हमें जो किड्स कैटेगरी में काम करना है तो उनके जो किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कलर थीम कैसे होती है, उसकी सारी प्लानिंग कर ली। आफ्टर डूइंग द प्लानिंग हमने कॉन्सेप्ट प्लानिंग कर लिया, उसके बाद वी मेक थंबनेल्स, थंबनेल मतलब छोटे छोटे स्केचेस। ठीक है, तो स्केचेस के प्लान करते हैं, स्केच प्लान करने के बाद हम उसको रफ लेआउट बनाते हैं। ठीक है, रफ लेआउट बनाते हैं। मुझे याद है लाइक व्हेन आई एम इन MFA आई हैव आल्सो यूज दिस ट्रिक। ठीक है, बिकॉज BFA तक आई डोंट फॉलो एनी रूल्स, जो बना दिया वो पूरा रूल है। ठीक है, वहाँ तक नहीं ले। MFA में वन ऑफ माय सीनियर हैज़ गाइड, टीचर ने पढ़ाया होगा मुझे याद नहीं, बट मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से बताया था कि वो कैसे प्लानिंग को यूज़ करते हैं, और मैंने MFA के कुछ प्रोजेक्ट्स में इसको अप्लाई किया एंड आई फील हैप्पी, माई टीचर ऑल्सो फील हैप्पी कि वो उससे कैसे प्रोसेस करा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, आगे अभी आप MFA फाइनल में जाओगे, तो ये जो प्रोसेस हैं इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने कैंपेन्स के अंदर इन्वॉल्व करोगे तो आपको काम में फ़र्क दिखेगा अपना। ठीक है, तो रफ लेआउट में हमने थंबनेलिंग बना ली, प्लानिंग कर ली, उसके बाद वी मूव टू कॉम्प्रिहेंशन लेआउट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लेआउट इज़ बेसिकली डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर लेआउट, कि जैसे डिटेल से इस फोटोग्राफ को देखो इसमें समझ में, डिटेल मतलब ये तो इतना कलर कॉम्बिनेशन का क्लियर नहीं है, बट कॉम्प्रिहेंशन में कोशिश करो सब चीज़ मेंशन करो कि टाइटल क्या लिया है। ठीक है, विजुअल कहाँ रहेगा, विजुअल में टाइट, विजुअल के साथ क्या लग जाएगा, लोगो कहाँ रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग करके हम एक कॉम्प्रिहेंशन लेआउट बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लेआउट तो इट्स अ डिटेल्ड फॉर्म ऑफ योर लेआउट, वहाँ थंबनेलिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा। थंबनेलिंग में तो थोड़ा सा हम स्क्रबल कर देंगे ड्राइंग, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्री हैंड भी रहेगी चलेगी, बट कॉम्प्रिहेंशन में लेआउट में ट्राई टू डू रियल रियलिस्टिक वर्क, कि जितना रियल हम उसको दिखा पाएँ, उसके बाद रेप्लिका बना के देन वी मूव टू द योर फाइनल डिज़ाइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्लास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ पूछना है किसी को?
एनीबडी? नहीं सर। अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, इसी का ही पार्ट है खुद थोड़ा सा, बिकॉज़ हम डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं या कमर्शियल आर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे एक लगा कि तुम्हें मतलब ये इससे हटके है, देखो इसको इसमें इन्वॉल्व मत करना, बट डिज़ाइन प्रोसेस भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तो मेरे माइंड में आई, तो मैंने डाल दी, बिकॉज ये तो आपके काम आएगी जब आप आगे चीज़ें बनाओगे। तो जैसे जैसे मैं इस चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, कि हम जैसे विजुलाइजेशन का सब्जेक्ट हमने लिया है, तो विजुलाइजेशन में बेसिकली हमें करना क्या होता है, विजुलाइजेशन मतलब क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ विद योर टॉपिक, नया आइडियाज़ क्रिएट करना, उनके डिज़ाइन प्रोटोटाइप्स बनाना, उनको फिर उसके अंदर चेंजेस करना बार बार, फिर उसको जाके लॉन्च करना। तो बेसिकली एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा सा आप उस चीज़ में ट्राई किया था हमने स्टार्टिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि आई थिंक मेरी फर्स्ट क्लास याद है आपको, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताया था, कोई था उस क्लास में आप लोग में से? प्रगति नहीं तुमने आशुतोष मिस की थी, बाकी आई थिंक आप सर, दोनों, मैंने ली। हाँ, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वही चीज़ है, बिकॉज ये टर्म्स आपके सब यूज़ में आएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम कहेंगे मतलब हम क्या हो रहा है ना, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ जैसे मैंने अगेन बोला कि क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, कि हम बहुत, हमारे पास स्टूडेंट कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है ना, नॉलेज कम होती है, ठीक है, उसकी वजह से हम ज़्यादा आइडियाज़ सोच नहीं पाते, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? फिर हम फटाफट इंटरनेट खोल लेते हैं, इंटरनेट का आइडिया फिर तो वो मेरा कुछ रहता ही नहीं है, वो तो उसी में अटक गए हम, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि देखो, जो अच्छा बंदा क्रिएट, अगर हम किसी को बोलें कि ही इज़ अ क्रिएटिव बॉय और ही इज़ अ क्रिएटिव गर्ल, तो कहने का मतलब उसका इंटरेस्ट पढ़ने में भी होगा, रीडिंग में भी होगा, ठीक है, घूमने में भी होगा, ट्रैवलिंग में भी होगा, ठीक है, एक्सप्लोर करने में भी होगा, क्योंकि जब तक वो दुनिया को अलग अलग एंगल से देखेगा तभी तो उसके अंदर डेटा माइंड में इकट्ठा होगा और चीज़ों को रिकनेक्ट कर पाएगा एक दूसरे से, ठीक है। बट क्या है कि हम अगर टोटली इंटरनेट पे डिपेंड हैं या किसी एक सोर्स पे डिपेंड हैं या किसी एक बुक पे, तो हमारी जो क्रिएटिविटी भी एक बहुत लिमिटेड रहेगी। एग्री करते हो कि नहीं तुम लोग? तुम सब क्रिएटिव स्टूडेंट हो, ऐसा होता है? यस सर। इसके लिए क्रिएटिव बनने के लिए मैं तो सीधा बोलूँगा, यू हैव टू रीड अलॉट, यू हैव टू राइट अलॉट, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ अलॉट, ठीक है। जब उन चीज़ों को आप अपने प्रैक्टिस में लाते हो, और इनफैक्ट यू कैन टेक इंटरेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम आर्ट प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा जो एक दिमाग के अंदर एक पैटर्न फिक्स हो जाता है कि वो सोचने का, कि हमें बस उन्हीं आइडियाज़ के आसपास हम घूमते रहते हैं। बट कई बार होता है कि हम किसी अदर फील्ड के बंदे से बात करते हैं या उससे आइडिया लेते हैं कि यार मैं इस टॉपिक, और कई बार वो बहुत ऑसम आइडिया दे देता है, बिकॉज उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि डिज़ाइन क्या बोल रहा है, रूल्स क्या बोल रहा है, समटाइम ही कम्स विद अ वेरी नाइस आइडिया। तो एक होता है कि हमारा जो माइंड में कन्वेंशनल थिंकिंग और अनकन्वेंशनल थिंकिंग, ठीक है, उनको भी कनेक्ट करना पड़ता है। कन्वेंशनल मतलब दुनिया जैसे सोचती है हम भी वैसे सोच रहे हैं, तो क्रिएटिव बनने के लिए थोड़ी सी वी हैव टू डेवलप अनकन्वेंशनल थिंकिंग, जहाँ पर हम पैटर्न्स को, सोचने के पैटर्न को तोड़ते हैं। अगर मैं देखते नहीं हो कि कई बार लोगों में दिखाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है क्रिएटिव, क्रिएटिव लिखा तो उन्होंने ए उल्टा करके लिख दिया, बट टेक्निकली तो गलत है, ऐसा होता है कई बार। बड़े बड़े ब्रांड्स देखते, बड़े ब्रांड्स देखते हो या कोई ऐड देखते हो जहाँ पर वो चीज़ों को फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ अपना ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि टेक्निकली कन्वेंशनली तो वो गलत है, मतलब सब बोलेंगे नहीं यार ये कोई तरीका, ये तो उल्टा थोड़ी ना ऐसे बनता है, सब तो सबको पता है, बट अनकन्वेंशनल वे से जब हम उसको अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा क्रिएटिव लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा हटके, तभी तो हम फोकस करेंगे। अगर मान के चलो 10 जगह क्रिएटिव लिखा हुआ है सेम पैटर्न में, क्रिएटिव क्रिएटिव, तो पूरी दुनिया को पता है CREATIVE क्रिएटिव लिखा हुआ, अगर एक बंदे ने क्या किया, ए को पलट दिया, तो क्या हुआ, उसने अटेंशन कैप्चर कर लिया सभी का, क्योंकि सब, अब तुम्हें क्या लगता है आर्ट डिज़ाइन अगर लगे हो तो जो वो डिज़ाइन है उसको सब देखेंगे और सब याद रखेंगे। आर यू एग्री? होता है ऐसा? हाँ तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। आपको देखो कल को जैसे जो लोगो डिज़ाइन करते हो, कुछ बैनर्स डिज़ाइन करते हो, कैंपेन डिज़ाइन करते हो, अपने पोर्टफोलियो पे कुछ काम करते हो, तो यू इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, जब इन्वॉल्व करोगे तभी वो आइडियाज़ आएंगे, वरना हम किसी को फॉलो करते रहेंगे, उसके आइडियाज़ लेते रहेंगे। तो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, गलत होगा कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट करना, तभी वो हमारा एक जाके एक सॉल्यूशन बनेगा।
फिर हमने क्या किया, ब्रेन स्टॉर्म कर दिया, देन आफ्टर वी गो इन प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में मतलब हम पूरा प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, जैसे अभी जैसे हम कैंपेन कर रहे हैं तो हम कैंपेन की प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं कि भाई हम चार इसमें पोस्टर रखेंगे, दो पोस्टर रखेंगे, हम इतना ऐप बनाएंगे इसकी, हम इसकी पैस ऐड बनाएंगे, हम इसका स्टेडलर वो बनाएंगे, डेंगुलर बनाएंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे, तो वी प्रोटोटाइप, उस डिज़ाइन का प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप कहने का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका उसका एक, जैसे मान के चलो कोई एप्लीकेशन में बोल दूँ कि आपने कोई ऐप डिज़ाइन करी है, और ऐप बेसिकली जैसे मान के चलो स्टेशनरी की प्रॉब्लम रहती है हमें अभी सभी को, कि स्टेशनरी हमें कई बार ऑनलाइन नहीं मिलती, तो कोई ऐप डिज़ाइन करी है जिसमें क्या हो रहा है, कानपुर पे स्पेसिफिक है कि आप अपने घर से ऑर्डर करो, वो स्टेशनरी का सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, अब वो ऐप किसी स्टूडेंट ने डिज़ाइन करी है, तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग। अब वो किसी ब्रांड में जाएगा, उसको दिखाएगा कि सर देखिए मेरा ये ऐप ऐसे काम करेगा, क्योंकि ऐप डेवलप करने के लिए भी अपने इन्वेस्ट मनी इन इट, तो कोई जिसको जिसको उसका प्रोटोटाइप अच्छा लग गया तो वो एप्लीकेशन पास हो गई और वो लाइव हो गई, कल को फिर सब उसको यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ, उसके बाद वो बन गया, इसके बाद हम मतलब प्रोटोटाइपिंग प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद हम रियल में जो उसका डेवलपमेंट है उसको बनाएंगे, और इसमें रिफ्लेक्ट दिया गया, और रिफ्लेक्ट में मतलब इट्स नॉट नॉट टोटली करेक्ट, रिफ्लेक्ट में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग, रिफ्लेक्ट की जगह कुछ और टर्म आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो प्रोटोटाइपिंग बन गया, अब उसकी चेकिंग होगी, अलग अलग उसमें इशूज चेक करे जाएंगे कि ये कैसे काम करेगा, उसमें मतलब अलग अलग आइडियाज़ लगाए जाएंगे, अलग अलग सोर्सेज पे चेक करे जाएंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और चेंजेस करे जाएंगे। अच्छा डिज़ाइन मतलब जितने डिज़ाइन में चेंजेस आए उतना वो अच्छा बनेगा, अगर एक बार में वो डिज़ाइन फाइनल हो गया तो वो कभी अच्छा बनेगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज वो तो सिर्फ आपके माइंड की क्रिएशन है। डिज़ाइन बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन टोटली ऑन योर ऑडियंस, या जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है उसके लिए बनाना है, या किसी कस्टमर के लिए बनाना है, तो उनकी साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन डिज़ाइनर की। तो कमर्शियल आर्ट में जो होगा हमारा, अभी जैसे हम पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि उस बैकएंड में आप उस तरफ क्या सोचते हो, जैसे मैंने कई लोगों के डिज़ाइन में अगर कुछ करेक्शन बताए हैं तो किसी को ऐसा फील हुआ हो कि उसके बाद इम्प्रूवमेंट आया है उसके काम में, ठीक है, तो डेफिनेटली जितने रिव्यूज़ हम लेते हैं, जितने उस पर हम डिस्कशन करते हैं, तो उतना वो वर्क इम्प्रूव होता है, और फाइनली उसको हम लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट रेडी, और फिर उसको हम लाइव कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से डिज़ाइन प्रोसेस होता है कि कैसे आइडियाज़ से लेके कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। इसमें भी वही बताया गया कि हम एम्फेसाइज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं, आइडिएट करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज़ में अलग बात कही गई है, बट एक प्रोसेस समझ में आ गया ना आपको, रियल जो डेटा है माइंड में, कैसे आइडियाज़ को निकालते हैं और कैसे हम उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो कोई कैंपेन हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई भी कमर्शियल आर्टवर्क, उसको हम इस एक प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, तब वो हमेशा इम्पेक्ट देता है अपना, ठीक है। आई थिंक आज यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो, ठीक है, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आप अपना एक बार सिलेबस में देख के अपना रिवाइज कर लेना, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, और बाकी फिर उसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन तुम लोगों का, कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना हो, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, हाँ चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसा भी शेड्यूल होगा मैं बता दूंगा आपको मैसेज करके, ठीक है, ओके ओके क्लास, ओके, थैंक यू सर, ओके।